अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। योगी सरकार में भू माफियों के हौसले बुलंद, बुजुर्ग और असहाय लोगों को बना रहे हैं निशाना। योगी सरकार में माननीय न्यायालय के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मामला है फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र का, जहां 70 वर्षीय रामजी लाल गुप्ता अपनी शिकायत लेकर समाधान दिवस पहुंचे, जिसमें उनका कहना है कि थाना लाइनपार रामनगर क्षेत्र में उनकी जमीन पड़ी हुई है, जिसमें अब उस जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है व अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने व चौकी में कई बार की है। जब वहां से कोई समाधान नहीं निकला, ना ही उस पर कब्जा रोकने को लेकर कोई उचित कार्यवाही की गई, तो फिर इसकी शिकायत हमने न्यायालय को की। वहां से उस पर स्टे का ऑर्डर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग उस पर अवैध निर्माण का कार्य करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संबंधित चौकी इंचार्ज का संरक्षण मिला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दबंग इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी अपनी दबंगई इसी तरह से दिखाते रहेंगे, जिससे जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती रहेंगी। जब हमने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है बाबूजी आपका? रामजी लाल गुप्ता। बाबूजी, जो जमीन, जो विवादित जमीन है, उसमें क्या आपका हिस्सा है उसमें? हाँ है, हमारे पिताजी का नाम बैजनाथ। कितनी उम्र है आपकी? है 74-75 की है। तो अभी जो विवादित जमीन है, उस पर स्टे का ऑर्डर है, उसके बावजूद उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसमें आपने किसी शिकायत वगैरह की है? कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि पिछली बार भी वहाँ पे एक मामला हुआ था और अभी 4 महीने पहले की बात है, स्टे होने के बावजूद भी वहाँ पे निर्माण कार्य कराया था और जब आप उसकी शिकायत करने गए तो आपके बेटे के खिलाफ ही चालानी काट दी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, और मुकदमा लगा दिया 151 का, तो जमानत कराई बेटे की। तो ऐसी क्या वजह है आपके पास स्टे का ऑर्डर होने के बावजूद भी उन लोगों का फेवर पुलिस कर रही है, क्या क्या वजह है उसकी? अरे वो तो पैसे ऐसे दे देते हैं और क्या है, हम लोगों की कौन, गरीबों की कौन सुनता है, बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है, लड़ाकू किस्म के हैं भाई। तो अच्छा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप चल फिर नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, तो आप वहाँ पे जाके कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो प्रशासन से क्या आप गुहार लगाएंगे, मतलब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? सच्चो काम हो भाई, ईमानदारी को भाई करें, कागज देखें और हमारे भाई जो जमीन है भाई तो वापस कर। क्या खाते खतौनी में आपका नाम दर्ज है? सुनने में आया है कि आपके पास और भी कागज हैं कई जगह से, हाई कोर्ट से और यहाँ पे और भी न्यायालय हैं, SDM साहब के यहाँ से, और आपने कुछ केस लड़े हैं उनमें आप जीते हैं? सब जगह से जीते हैं, सब जगह से, कोई सुनवाई के चुना है, सब जगह से जीते भाई, सब दिखाए हैं, कोई सुनाई ना होती। आप लोग तुम कितने हिस्सेदार हैं उस जमीन में? अब हम 11 हिस्सेदार हैं, उसमें एक हिस्सा आपका है। हाँ, ईमानदारी से काम हो भाई, पहले सुनवाई करे, बाकी देखे कागजन को, मैं वापिस कछु तो मिले, मैं तो कछु तो मिले भाई, हम बुढ़ापे के लिए का करें। अच्छा, आप ये चौकी इंचार्ज महोदय हैं छत्रपाल सिंह जी, जो थाना लाइन पार के अंतर्गत रामनगर चौकी आती है, इनसे आप मिले, इन्होंने आपका सहयोग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या क्या बोलते हैं? ये तो सीधे कहते हैं मुकदमा लगा देंगे, ये तो मुकदमा की धमकी देते हैं। तुम जाओगे तो करोगे, तुम दोनों को मुकदमा लगा। देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया है, अभी तक कई पर शिकायतें आ चुकी हैं और सभी का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, और इसके अलावा भी पुरानी शिकायतें हैं जो प्रार्थी को संतुष्टि नहीं मिली है, उसमें भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा उनको चेक करा के हमारा शिकायत करता है उनको संतुष्ट करना है। सर, किस किस तरीके से, किस किस मामलों की शिकायतें सबसे ज़्यादा देखने को मिली है?
यानी कि विद्युत विभाग की भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें लोगों का बिल गलत तरीके से बन गया है या उसमें बिल सही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी उनको बोला गया है कि आपके जितने भी डिस्कनेक्शन आप लोग कर रहे हो इसको सही तरीके से करें, किसी भी तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ राशन की शिकायतें थी, कुछ लोगों ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी शिकायतें आई हैं कि किसी दूसरे आदमी के नाम से दूसरे ने उसमें लोन ले लिया है या प्रधानमंत्री आवास में आवेदन किया है। सभी को चेक कराने के लिए और प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया। सर, एक थाना लाइन चार का एक मामला है जिसमें 70 वर्षीय व्यक्ति है जिनकी जमीन पर अवैध कर्जा कर रखा है और कोर्ट द्वारा उसका स्टे ऑर्डर भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उसका अवैध इस्तेमाल करा रहे हैं। ये एसओ लाइन पार्क को भी तुरंत हमने बोलने के लिए बोल दिया है कि 2 बजे के बाद जाके उसको तुरंत मौके पर देख के इसका निस्तारण करना। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।